हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल के अंदर खास क्या है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सेल को ओपन करना है, तो ये एक्सेल को ओपन किया, इस तरीके से ये एक्सेल ओपन हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सेल ओपन हो चुका है। अब हमें एक ब्लैंक जो है वर्कबुक लेना है, हमने ले लिया, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको इस तरह के रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ पे ए लिखते हैं, फिर डैश लिखते हैं, वन लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ ए लिखते हैं, डैश लिखते हैं, टू लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, फिर इस तरीके से ड्रैग कराते हैं, तो A3 A4 ये इस तरीके से आता तो चला जाता है, लेकिन क्या इसके लिए कोई और भी मेथड है जो इससे भी बेटर हो सकता है? तो एक ऐसा मेथड है जो इससे भी बेटर है, इससे भी अच्छा है, इससे भी बेहतरीन है, तो आइए दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इक्वल टू, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन जो है इक्वल टू के बिना तो आपका चलेगा नहीं, तो पहले तो इक्वल टू लगा लीजिए, और इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पर ए में, तो यहाँ पर डबेटेड कॉमा के अंदर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। तो ये ए लिख दिया डबेटेड कॉमा के अंतर्गत, और फिर यहाँ पर लगाइएगा डबेटेड कॉमा, ठीक है, यानी डबेटेड कॉमा को क्लोज कर दीजिएगा, और क्लोज करके एंड लगाइएगा, एंड लगा दिया, एंड लगाने के बाद अच्छा ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जैसे ही एंड लगाते हैं तो फिर यहाँ पर जो है डबेटेड कॉमा को ओपन करेंगे, और ओपन करके इसमें डैश दे देंगे, फिर डबेटेड कॉमा को क्लोज कर देंगे, ये क्लोज कर दिया, फिर एंड लगा दीजिए, यही वाला एंड लगाना है आपको, ए एंड डी लिख करके नहीं लगाना है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और यहाँ पे लगाइए सीक्वेंस का फॉर्मूला, तो ये सीक्वेंस का फॉर्मूला आपको अपग्रेडेड वर्जन में मिल जाता है, और यहाँ पर सीक्वेंस का फॉर्मूला एक से लेकर के कहां तक हमें चाहिए वो डिटेल आप डाल सकते हैं, जैसे एक से लेकर हमें 200 तक चाहिए, तो ये 200 कर दिया, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 200 तक आ चुका है, तो देखिये यहाँ पर A1 A2 A3 से लेकर और ये 200 तक आया हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर 200 तक आया हुआ है कि नहीं, तो ये एक ही बार में इंसर्ट कर देगा, ये आपका फायदा रहेगा। लेकिन मान लीजिए ए वाला सीक्वेंस नहीं चाहिए था हमें, हमें कोई और सीक्वेंस चाहिए था, तो जो भी सीक्वेंस चाहिए इसी फॉर्मूले में आपको डाल देना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें ए चाहिए था, तो हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, लेकिन सपोज कीजिए ए नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ F2 करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ए नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चाहिए सपोज कीजिए RW, ये चाहिए RW चाहिए, तो यहाँ पे एंटर कर देंगे तो RW का ही सीक्वेंस बनता चला जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, इस तरह की चीजें अगर आपको करनी है तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा करके, और सीक्वेंस इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है।